हरियाणा में व्यापक स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। हरियाणा में व्यापक स्तर पर प्रशासनिक तबादले किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हरियाणा में आप देख रहे हैं। इस समय एक एचसीएस स्तर के अधिकारी का भी तबादला यहां पर कर दिया गया है। तो हरियाणा में व्यापक स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बड़ा फेरबदल यहां हुआ है। हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लेते हुए 19 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसके अलावा जानकारी ये भी कि एक एचसीएस स्तर के अधिकारी का भी तबादला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से एएनबी न्यूज पर। व्यापक स्तर पर प्रशासनिक तबादले आज हरियाणा में हुए हैं और लिस्ट जारी की गई है। 19 आईएएस अधिकारियों के प्रशासन के द्वारा तबादले कर दिए गए हैं। 19 आईएएस अधिकारियों के तबादला एक बड़ी यहां पर प्रक्रिया मानी जा रही है, बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। इसके अलावा एक एचसीएस स्तर के अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया है। हरियाणा में व्यापक स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एचसीएस स्तर के अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लेते हुए ये बड़े फेरबदल यहां पर किए हैं। 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और इसके अलावा एक एचसीएस स्तर के अधिकारी का भी तबादला हुआ है। हरियाणा में व्यापक स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। हरियाणा सरकार का अहम फैसला। और हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता जी इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। हरियाणा में व्यापक स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए हरियाणा में एक झटके में 19 आईएएस अधिकारी, जिनमें से कई एचसीएस स्तर के अधिकारी हैं, उनका तबादला किया गया और एक एचसीएस अधिकारी हैं। आप जानते हैं कि कल ही 2 आईएएस अधिकारी रिटायर हुए हैं। उस सबको लेकर पहले से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि तबादले होंगे, तो आज अभी थोड़ी देर पहले प्रदेश सरकार ने तबादला लिस्ट जारी कर दी है। मुख्य सचिव की ओर से तबादला लिस्ट जारी की गई है, जिसमें वीएस कुंडू हैं, एसीएस अधिकारी हैं जो हरियाणा में लेबर डिपार्टमेंट के देख रहे थे और अर्ध सैनिक सैनिक वेलफेयर को भी देख रहे थे। उन्हें प्रदेश सरकार ने एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया है और अन्य महकमे उन्हें दिए गए हैं। ये नितिन कुमार यादव की जगह आए हैं। इसी प्रकार सिद्धिनाथ रॉय हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज के एसीएस थे, अब उन्हें ट्रांसफर कर जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट क्लाइमेट डिपार्टमेंट के साथ साथ हरियाणा मेडिकल एजुकेशन रिसर्च डिपार्टमेंट दिया गया है। इन्होंने लोक निगम का स्थान लिया है। माफ करें जी, वे जो है हरियाणा स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डेवलपमेंट विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, उन्हें लेबर डिपार्टमेंट में तब्दील किया गया है। जी अनुपमा है आईएएस अधिकारी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थी ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ हरियाणा न्यू दिल्ली में, अब उन्हें उनका तबादला जो है ये किया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। वे ट्रेड फेयर अथॉरिटी में रहेंगी पहले की भांति। अरुण कुमार गुप्ता हैं, ये अपने ऑर्डरों की प्रतीक्षा कर रहे थे नियुक्ति की, इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज में लगाया गया है। इसके साथ साथ इन्हें स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी दिया गया है। विजय सिंह दैया है जो हायर एजुकेशन में थे, उन्हें डायरेक्टर जनरल स्टूडेंट सप्लाई में लगाया गया है। इसके साथ साथ रेणु पुलिया हैं जो ये शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास में डायरेक्टर जनरल थी, उन्हें अंबाला का डिविजनल कमिश्नर लगाया गया है। जगदीप सिंह हैं, वो डायरेक्टर जनरल थे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में, उन्हें अब जनरल डायरेक्टर जनरल लगाया गया है वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास। इसके साथ साथ चंद्रशेखर खरे जो फूड एंड सप्लाई में डायरेक्टर थे, उन्हें डायरेक्टर हायर एजुकेशन लगाया गया है। रिपु दमन सिंह ढिल्लो जो कि डायरेक्टर हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म्स अथॉरिटी में थे और डायरेक्टर कॉन्फ्रेट भी थे, उन्हें डिप्टी कमिश्नर भिवानी लगाया गया है। सुजान सिंह हैं आईएएस आयुष थे के डायरेक्टर थे, माफ करें, इन्हें डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट हरियाणा लगाया गया है। जयबीर सिंह आर्या जो कि डिप्टी कमिश्नर भिवानी थे, उन्हें डायरेक्टर हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म्स में लगाया गया है। और ये राज नारायण कौशिक हैं
ये स्पेशल सेक्रेटरी जो हरियाणा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में थे, इन्हें जो है डायरेक्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हरियाणा एंड स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट लगाया गया है। इन जो प्रेजेंट ड्यूटीज हैं उनके साथ साथ पार्थ गुप्ता हैं डायरेक्टर सिटीजन रिसोर्सेज से, इन्हें डीसी यमुनानगर लगाया गया है। और अखिल पिलानी हैं, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यमुनानगर में थे, इन्हें अतिरिक्त रूप से अब कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन ऑफिसर कुरुक्षेत्रा लगाया गया है। अपराजिता हैं, डिविजनल ऑफिसर थे बल्लभगढ़ में, सब एसडीएम थी, और इन्हें अब एडिशनल कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद लगाया गया है। आयुष सिन्हा, आप जानते हैं कि ये करनाल में चर्चित भी हुए हैं, सब डिविजनल ऑफिसर हैं एसडीएम, इन्हें एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट हरियाणा सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में लगाया गया है। सचिन गुप्ता हैं, ये एसडीएम थे अम्बाला में और स्टेट ऑफिसर थे मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड इन एक्सरसाइज एरिया, इन्हें अतिरिक्त उपायुक्त लगाया गया है। और माफ करें, इन्हें भी सिटीजन रिसोर्सेज में इंफॉर्मेशन ऑफिसर महेंद्रगढ़ में लगाया गया है और अतिरिक्त उपायुक्त जो है रिवाड़ी में लगाया गया है। इनके साथ ही एचसीएस अधिकारी हैं विवेक पदम सिंह, ये स्पेशल सेक्रेटरी थे फाइनेंस गवर्नमेंट फाइनेंस विभाग में, इन्हें मेंबर सेक्रेटरी हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन एडिशन टू हिज प्रेजेंट ड्यूटीज, यानी कि मौजूदा जिम्मेवारी के साथ साथ मेंबर सेक्रेटरी हरियाणा बैकवर्ड क्लास की अतिरिक्त जिम्मेवारी दी गई है। फिलहाल यही तबादले हैं। बिल्कुल राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने हम तक जानकारी पहुंचाई। तो हरियाणा में व्यापक स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।